अपने मन में डूबते पाजा सुरा के जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। दे दिया ने आज मुंडिया नू, मैं दो मिनटों के अंदर अरमापति बन जा, खरबापति बन जा, आलम बन जा, मत दो देना। ये उसूलों को अपनाओ कि असल सफर 30 के बाद शुरू होता है और असल मकाम 35-36 पे जाके, असल इश्क 36-37 में जाके मिलता है इंसान को। ये तो बर्बादियों की उम्र होती है 20-30 की। और डरना बंद कर, ये छोटी मोटी मैथ्स, हर वक्त मैथ्स 1+1, स्टॉप डूइंग द मैथ्स इन लाइफ, डू इट। मैथ्स कर, हिसाब किताब कर, ऊंट बांध और तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भी छोड़ जिंदगी को। जब अल्लाह लेके आएगा तो फिर अल्लाह लेके आएगा, फिर तू नहीं, तू खुद नहीं संभाल सकेगा जब अल्लाह लेके आएगा। तो अगर इन उसूलों से जिंदगी नहीं गुजारनी, और जिद है, हर दर्मी है, उस्ताद नहीं है, काट नहीं है, सबर नहीं है, जर्फ नहीं है, वसत नहीं है, तनवो नहीं है, तजमील नहीं है, तकमील नहीं है, तशरीफ नहीं है, ताईद नहीं है, तहसीन नहीं है, तनकीद नहीं है, तारीफ नहीं है, तशरीफ नहीं है, अगर ये सारे सिलसिले जिंदगी में नहीं है, ये ताल्लुक नहीं है, ये वसफ नहीं है, अगर इन औसाफ के साथ पहले अपने मन में डूबते पाजा सुरा के जिंदगी, अपने मन में डूबते पाजा सुरा के जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर तू ये नहीं कर सकता तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी दुआ करेंगे, लेकिन पुत्र आना उदो ही पैसू, गुजरना अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलेगी, वरना हमारा गिला हो जाएगा कि अल्लाह हमें इतनी काट से क्यों और इसको इतनी आसानी से क्यों। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती, ला तब्दील अल खल्किल्ला, उसी काट और उसी प्रोसेस से आज मुसलमानों को भी, पाकिस्तान को भी, जुनूब को भी, पंजाब के अंदर भी, हर सिलसिले को वो इंकलाब तभी मिलेगा जब वो उन्हीं उसूलों से आएगा जिन उसूलों से वो बीज उगता है, और कोई तरीकेकार नहीं है। इसलिए सिर्फ हुनर की महारत महफिल और महफिल में जंग नहीं जिता सकती, इबारत भी हसीन कर अपनी, और इबारत के माहिरों को हम कहते हैं इमारत मजबूत कर अपनी, और जिनकी इबारत और इमारत भी बन गई है उन्हें हम कहते हैं इबादत मजबूत कर अपनी, और इन्हीं ताबीर और इन्हीं तामीर और इन्हीं तशरीफ और इन्हीं तहसीन के सिलसिले का नाम है इल्म और तरबियत, सीखना सिखाना। तो अगर ये काट के इंसान समझता है कि वो पहुंच जाएगा, पहुंच तो जाएगा, मगर बचेगा कुछ नहीं।